इसमें दरअसल केस ये था कि आशीष चौहान और ओम प्रकाश यादव एक ही लड़की से प्यार न करते थे। इन्हीं इसी न लड़की को लेके दोनों में लगातार जो है वो विवाद होते रहता था। ओम प्रकाश यादव ने एक बार नर्वस ठान लिया था कि वो अपने बाकी अन्य साथियों के साथ इसकी हत्या जो है वो कर देगा। आशनाई के चक्कर में मारे गए युवक आशीष चौहान की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 13 अगस्त की रात दुल्हापुर थाना इलाके में अमारी रेलवे फाटक के पास एक युवक आशीष चौहान का शव मिला था। घटना की जांच करते हुए पुलिस ने 3 आरोपी ओम प्रकाश यादव, पिंटू यादव और संदीप को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी संदीप की चचेरी बहन का मृतक आशीष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बात को लेकर आशीष और संदीप के बीच रंजिश चल रही थी। संदीप ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर आशीष के घर में घुसकर धारदार हथियार से 17 वार कर हत्या कर दी। थाना दुल्लापुर क्षेत्र में 13/14 अगस्त की रात को एक व्यक्ति जिसका नाम आशीष चौहान है उसकी हत्या की सूचना पुलिस को 112 के जरिए प्राप्त हुई थी। हम लोगों ने मौका मुआयना भी किया था, कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मौके से उठाए थे फील्ड यूनिट द्वारा, SBCT और सारे अधिकारियों द्वारा वहां का मौका मुआयना जो है वो किया गया था। आज उस प्रकरण में पुलिस को 3 लोगों को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त हुई है, जो इसके मेन 3 अभियुक्त है, ओम प्रकाश यादव, पिंटू यादव और संदीप कुमार। इसमें दरअसल केस ये था कि आशीष चौहान और ओम प्रकाश यादव एक ही लड़की से प्यार न करते थे। इन्हीं इसी न लड़की को लेके दोनों में लगातार जो है वो विवाद होते रहता था। ओम प्रकाश यादव ने एक बार नर्वस ठान लिया था कि वो अपने बाकी अन्य साथियों के साथ इसकी हत्या जो है वो कर देगा। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि पिंटू नाम के दूसरे आरोपी ने आशीष की दुकान से शादी के दौरान 70 से 80 हजार रुपए का सामान उधार लिया हुआ था। जब आशीष उधार पैसे मांगता तो पिंटू बहाने बना दिया करता, इस बात की भी खुन्नस पिंटू लिए हुआ था। वही तीसरा आरोपी ओम प्रकाश यादव भी संदीप की चचेरी बहन से प्रेम करता था, लेकिन उसकी बहन मृतक आशीष को चाहती थी, जिसकी वजह से 3 आरोपियों का एक ही टारगेट मृतक आशीष था, जिसको मौत के घाट उतारने का प्लान बना डाला। आशीष चौहान की पहले से ही रंजिश न जो है वो पिंटू और संदीप के साथ जो है वो चलती थी, बिकॉज लड़की जो न है वो संदीप की चचेरी बहन थी। और पिंटू यादव ने कुछ उधारे का सामान जो है वो आशीष चौहान के दुकान से लिया था। आशीष चौहान लगातार उससे पैसे करीबन 70-80 हजार रुपये का सामान था वो मांगता था। इसी बात को लेकर तीनों में ग्रुप न बन गया था, ओम प्रकाश, पिंटू और संदीप, तीनों ने मिलकर हत्या का प्लान किया। और 13/14 की लगभग 2:30-3 बजे के आसपास तीनों लोग इसके घर में घुस के धारदार हथियार से इसके ऊपर वार इन्होंने किया था। 17-18 वार के निशान जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आए हैं और इसी में तीनों लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है। SPCT और CO के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था, SOG को भी इसमें लगाया गया था और एक ब्लाइंड केस जो है वो इस तरीके से वर्कआउट हुआ। सर पुलिस टीम को कितना सर दिया गया, इनाम दिया? देखिए 10,000 रुपए का इनाम मेरे तरफ से पुलिस टीम को दिया गया। आशीष के पीछे 3 आरोपी अलग अलग कारणों से पड़े हुए थे, इसी वजह से एक होकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के लिए ये घटना एक पहेली थी, लेकिन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी TV के लिए गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।